हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं अंतरा आणविक बल के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि अंतरा आणविक आकर्षण बलों को जोहानन वांडरवाल के सम्मान में वांडरवाल बल कहा जाता है। वांडरवाल जो बल हैं, इसके अंतर्गत जो हैं लंदन बल, दुद्रु बल और प्रेरित दुद्रु बल आते हैं। तो पहले वीडियो में हमने आपको प्रकीर्णन बल अथवा लंदन बल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आइए देखते हैं दुद्रु बल के बारे में, ध्यान से आप समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दुद्रु बल, अस्थाई दुद्रु रखने वाले अणुओं के मध्य, ठीक है, अस्थाई दुद्रु रखने वाले अणुओं के मध्य दुद्रु बल कार्य करते हैं, ठीक है। तो जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, दुद्रु है, डाइपोल है, ऐसे अणुओं के मध्य दुद्रु बल कार्य करते हैं। दुद्रु के सिरे आंशिक आवेश रखते हैं, ठीक है। डाइपोल के जो सिरे होते हैं उन पर पार्शियल चार्ज होता है। इन्हें ग्रीक अक्षर डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आंशिक आवेश सदैव जो है इकाई इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6×10^19 कूलाम से कम होते हैं। दुद्रु बल में आप देख रहे हैं कि अस्थाई दुद्रु रखने वाले अणुओं के मध्य दुद्रु बल कार्य करते हैं। दुद्रु के सिरे आंशिक आवेश रखते हैं। इन्हें ग्रीक अक्षर डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। आंशिक आवेश सदैव इकाई इलेक्ट्रॉनिक आवेश से कम होते हैं। दुद्रु अणु निकटवर्ती अणु से अन्योन्य क्रिया करता है, ठीक है। दुद्रु अणु जो है वह निकटवर्ती अणु से अन्योन्य क्रिया करता है। चित्र 5.2 हाइड्रोजन क्लोराइड के दुद्रु में इलेक्ट्रॉन अभ्र वितरण को और चित्र 5.6 में 2 HCl अणुओं के मध्य दुद्रु अन्योन्य क्रिया को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। ध्यान से आप देखें, यहाँ पर आपका फिगर है जिसमें पहला फिगर है, यह है आपका को क्लोरीन की, ठीक है, यह HCl है आपका एक ध्रुवीय अणु, ठीक है। यह कैसा अणु है, एक ध्रुवीय अणु है, ठीक है। एक ध्रुवीय अणु HCl में इलेक्ट्रॉनिक आवेश का वितरण दिखाया गया है, ठीक है। एक ध्रुवीय अणु HCl में इलेक्ट्रॉनिक आवेश का वितरण आप देख रहे हैं। इसमें यह हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लोरीन परमाणु की विद्युतीयता अधिक होती है, इस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज़्यादा घिस जाएंगे, जिस पर इस पर आंशिक माइनस, ठीक है, डेल्टा माइनस दिखाया गया है, और इस पर थोड़ी कमी हो जाएगी तो डेल्टा प्लस के रूप में दिखाया गया है। इस तरह यह HCl का जो अणु है वह एक द्विध्रु अणु के रूप में है, ठीक है। अब जो है दो HCl के अणु एक दूसरे के मध्य जो है दुद्रु अन्योन्य क्रिया करने लगते हैं, आपस में अट्रैक्ट होने लगते हैं, इनका अट्रैक्शन होने लगता है, ठीक है। तो यह आपका, ठीक है, यह ध्रुवीय HCl अणु है एक, और यह दूसरा ध्रुवीय HCl अणु है। अब यह एक दूसरे के नज़दीक हैं, एक दूसरे को आकर्षण कर रहे हैं, ठीक है। यह आपका आंशिक प्लस आंशिक माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थात दो HCl अणुओं के मध्य द्विध्रु अन्योन्य क्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो आपने देखा कि ध्रुवीय अणु निकटवर्ती अणु से अन्योन्य क्रिया करते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड के दुद्रु में इलेक्ट्रॉन अभ्र वितरण को आपने चित्र क में देखा, और चित्र ख में दो HCl अणुओं के मध्य द्विध्रु अन्योन्य क्रिया को प्रदर्शित करता है, उसको आपने देखा। एक अन्योन्य क्रिया, ठीक है, एक अन्योन्य क्रिया आयन आयन की तुलना में दुर्बल होती है। यह जो अन्योन्य क्रिया है यह आयन आयन की तुलना में दुर्बल होती है, क्योंकि इसमें केवल आंशिक आवेश ही भाग लेते हैं, ठीक है। यह अन्योन्य क्रिया जो है आयन आयन की तुलना में दुर्बल होती है, क्यों, क्योंकि इसमें केवल आंशिक आवेश ही भाग लेते हैं। द्विध्रु के मध्य दूरी बढ़ने से ये आकर्षण बल घट जाते हैं, ठीक है। द्विध्रु के मध्य दूरी के बढ़ने से ये आकर्षण बल घट जाते हैं। यहाँ भी उपरोक्त स्थिति की ही
तरह अन्य क्रिया की ऊर्जा ध्रुवीय अणुओं के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जैसे पहले वाले में आपने देखा था, ठीक उसी तरह से इसमें भी अन्य क्रिया की ऊर्जा जो होगी वह ध्रुवित अणुओं के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्थिर ध्रुवित अणुओं जैसे कि ठोसों में के मध्य अन्य क्रिया की ऊर्जा 1/r³ के तथा घूर्णित ध्रुवित अणुओं के मध्य 1/r⁶ के समानुपाती होती है। ठीक है, स्थिर अणुओं जैसे कि ठोसों के मध्य अन्य क्रिया की ऊर्जा 1/r³ के तथा घूर्णित ध्रुवित अणुओं के मध्य 1/r⁶ के समानुपाती होती है, जहां r ध्रुवीय अणुओं के मध्य की दूरी है। ध्रुवीय अणु लंदन बलों द्वारा भी अन्य क्रिया कर सकते हैं। ठीक है, यह जो ध्रुवीय अणु हैं यह लंदन बलों के द्वारा भी अन्य क्रिया कर सकते हैं, जिनका सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि ध्रुवीय अणुओं में कुल अंतरा आणविक बल बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका द्विध्रुव बलों के बारे में। अब आपका तीसरा टॉपिक शुरू होता है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल के बारे में। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं अंतरा आणविक बल, जिसे वान डर वाल बल कहा जाता है। इसमें आपको बताया गया कि वान डर वाल बल जो हैं वे तीन प्रकार के होते हैं, लंदन बल, द्विध्रुव बल और प्रेरित द्विध्रुव बल। सबसे पहले आपको हमने प्रकीर्णन बल अर्थात लंदन बल के बारे में बताया। इस वीडियो में हमने आपको द्विध्रुव बल के बारे में बता रहे हैं। इसमें आपको बताया गया कि अस्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणुओं के मध्य द्विध्रुव बल कार्य करते हैं। द्विध्रुव के सिरे आंशिक आवेश रखते हैं, इन्हें ग्रीक अक्षर डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। आंशिक आवेश सदैव इकाई इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम से कम होते हैं। द्विध्रुव अणु निकटवर्ती अणु से अन्य क्रिया करता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के द्विध्रुव में इलेक्ट्रॉन अभ्र वितरण को चित्र क में आपको बताया गया। चित्र ख में दो HCl अणुओं के मध्य द्विध्रुव अन्य क्रिया को प्रदर्शित करता है। यह दो फिगर आपको हमने दिखाया था। यह अन्य क्रिया आयन आयन की तुलना में दुर्बल होती है। ठीक है, यह जो अन्य क्रिया है वह आयन आयन की तुलना में कमजोर होती है, दुर्बल होती है, क्योंकि इसमें केवल आंशिक आवेश ही भाग लेते हैं। द्विध्रुव के मध्य दूरी बढ़ने से ये आकर्षण बल घट जाते हैं। द्विध्रुव के मध्य दूरी बढ़ने से ये आकर्षण बल घट जाते हैं। यहाँ भी उपरोक्त स्थिति की तरह अन्य क्रिया की ऊर्जा ध्रुवीय अणुओं के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्थिर ध्रुवीय अणुओं जैसे ठोसों में के मध्य अन्य क्रिया की ऊर्जा 1/r³ ठीक है 1/r³ से तथा घूर्णित ध्रुवित अणुओं के मध्य 1/r⁶ के समानुपाती होती है, जहां r ध्रुवित अणुओं के मध्य की दूरी है। ध्रुवित अणु लंदन बलों के द्वारा भी अन्य क्रिया कर सकते हैं, जिनका सम्मिलित प्रभाव यह होता है कि ध्रुवित अणुओं में कुल अंतरा आणविक बल बढ़ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका द्विध्रुव बल के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहां द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।